अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को सैमाबाजी के खाने में खुश आमदीद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ जनाब बहुत ही ज़बरदस्त सी एक यूनिक सी रमज़ान स्पेशल में हम बनाएंगे आलू के कटलस, वो भी थोड़े डिफरेंट तरीके से। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। रमज़ान स्पेशल में हम बना रहे हैं आलू के कटलस थोड़े से डिफरेंट तरीके से, ठीक है। जिसके लिए आलू लिए थे मैंने, आधा किलो आलू थे उबाल के मैंने और इस तरह से मैश कर लिया था, ठीक है। और फिर अब इसमें मसाले जो ऐड होंगे वो होंगे काली मिर्च हाफ टी स्पून, चाट मसाला हाफ टी स्पून, और इसमें जाएगा चिकन पाउडर मसाला। ये मार्केट में आराम से मिल जाता है, अगर है मिल जाए तो आप डाल दीजिएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। और अब जाएंगे इसमें हाफ टी स्पून के बराबर कुटी हुई मिर्च, या फिर अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा मिर्ची कर सकते हैं। और इसमें अब जाएगा हसबे ज़रूरत नमक बस। और फिर आखिर में हम डालेंगे हरा धनिया। इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिक्स करके इनकी एक टिक्कियाँ बना लेंगे, ठीक है। या जिस शेप में भी आप बनाना चाहें वो आप बना सकते हैं। ये देखिए मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसमें कैबेज डालना है। अगर आपके पास कैबेज है तो कैबेज डाल दें, कैरेट है तो कैरेट डाल दें, या फिर ग्रीन अनियन डाल दें, जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो चीज़ डालें। और अगर नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं, इसकी भी कर सकते हैं, पर ये है इसके डालने से बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और फिर इस तरह से हम इसके कबाब बनाएंगे। कैबेज या कोई भी चीज़ आप मिलाने के बाद फिर इस तरह से इसकी टिकियाँ बनाएंगे, ठीक है। ये सारी टिकियाँ बनाती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। देखिए ये मिक्स हो गया, अब बस हमने सिंपली इसके कबाब जैसी टिकियाँ बना ली हैं। बस बना के देखिए इस तरीके से हम सारी टिकियाँ बना के रख लेंगे और इसका एक घोल तैयार करेंगे जो बहुत ही डिफरेंट तरीके का है। ये देखिए इस तरह से मैंने सारे बना के तैयार कर लिया। अब इसको रखते हैं एक साइड पे और एक डो तैयार करते हैं, ठीक है। इसके एक बॉल लिया मैंने, इसमें जाएंगे अब दो अंडे। हम इसमें डालेंगे दो अंडे, बिस वन एंड टू बिस्मिल्लाह। फिर इसमें जाएगा 2 चमचे दही के, फ्रिज का दही नहीं है, रूम टेम्परेचर का है, ठीक है, और ताज़ा दही है। आप चाहें तो एक दिन पुराना भी डाल सकते हैं। और फिर इसको हम करते हैं अच्छी तरह से मिक्स। दही हमने क्यों डाला है, जो हमारी जो एक जो हम बना रहे हैं डो बना रहे हैं जो, वो थोड़ी सी क्रीमी टाइप की हो जाएगी। इससे बहुत ही अच्छा सा हमारे जो कबाब हमने बनाए हैं ना, कटलस जो आलू के वो हो, ज़बरदस्त लगेंगे। ये देखिए अब इसमें क्या जाएगा, अब इसमें जाएगा 1/2 कप मैदा। यह 1/2 कप मैदा है, ठीक है। और 1 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर। ये बेकिंग सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है, ठीक है। और फिर मैं इसमें डालूंगी ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च डालूंगी 1/2 टीस्पून के बराबर। और इसमें जाएगा टेस्ट ऑफ अकॉर्डिंग नमक बस। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, ठीक है। और फिर हम इसमें अपने डिप करके जो हमने कटलस बनाए हैं ना आलू के, वो हम डालेंगे, ठीक है। चलिए इसको मैं मिक्स करती हूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए जनाब कितना क्रीमी क्रीमी सा हमारा ये लिक्विड बन के तैयार हो गया है, ठीक है ना। कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है, कितना शाइन भी है और कितना वो हैगा अपना क्रीमी क्रीमी स्टाइल लग रहा है ना आपको। अब बस हमने सिंपल इसमें इसको अपने कटलस को डिप करना है और इसको फ्राई करना है। देखिए इस तरीके से, ना हमने इसमें पानी डाला ना हमने इसमें दूध डाला। ये देखिए कितना ज़बरदस्त स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। अब मैं इसको करती हूँ फ्राई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाला और जो हमने डिप करा था ना, हम डिप करते जाएंगे
अपने कटलस को और डालते जाएंगे। बिस्मिल्लाह। इस तरीके से देखिए कितने जबरदस्त से लग रहे हैं ना, और कितने क्रीमी क्रीमी हमने इसका एक डो तैयार करा था बगैर पानी के। ठीक है, रमजान स्पेशल में हमने बहुत ही यूनिक डिफरेंट तरीके से कटलस तैयार करे। जबरदस्त से लग रहे हैं ना, जब ये हो जाएंगे ना एक साइड से, तो फिर हम इसको टर्न करेंगे। जी देखते हैं कि हुआ कि नहीं हुआ, वाला टर्न करके देखते हैं। जबरदस्त माशाल्लाह, ये देखें कितना खूबसूरत माशाल्लाह इसका कलर आया है, और ये वाला अभी लाइट लाइट सा है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें थोड़ा सा लाइट लाइट सा है ना, ज़बरदस्त से और बहुत ही डिफरेंट तरीके से। चले जी इसको हम करते हैं फ्राई, फिर मैं आपको दिखाती हूँ सब करके। ठीक है, ये देखें इस अभी हुआ नहीं, थोड़ा सा कच्चा है। चले जी ये वाला तो रेडी हो गया हमारा, ज़बरदस्त माशाल्लाह क्या कलर आया है जनाब हमारे कटलस का। चले जी मैं सारे करती हूँ फ्राई, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे आलू के कटलस बन के रमज़ान स्पेशल में तैयार हो गए हैं। ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त माशाल्लाह। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।